मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्रावणी मेला 2023 सफल होने पर डीएम सुब्रत कुमार ने पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि भादो माह में भी स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा मिलेगा सुविधा। रक्षाबंधन में विद्यालय तो खुला रहा लेकिन धूल फांकती रही डेस्क बेंच, मिड डे मील के खाने हुए बर्बाद, शिक्षक दिखे आक्रोशित। शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यालय को ही अपना भाई बहन मानकर बांधी राखी। एक ही परिवार की चार महिलाओं के साथ गलत नियत से घर में घुसकर अपराधी ने की मारपीट। नीलम देवी हत्याकांड के बाद उसके परिवार को अपराधियों द्वारा जान से मारने की दी जा रही है धमकी। सावन के अंतिम दिन नमामि गंगे घाट पर मुंबई की मशहूर गायिका ऋचा शर्मा ने मचाई धूम। सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय के सभागार में श्रावणी मेला 2023 के समापन को लेकर भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंचासीन एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, सहायक समाहर्ता श्वेता भारती, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार थे। मंच संचालन शिक्षक पवन पाठक, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सीओ अमित राज, राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा मंचासीन पदाधिकारी को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्रावणी मेला 2023 में अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण को डीएम सुब्रत कुमार सेन एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सीओ अमित राज, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, कृषि पदाधिकारी अजय मणि, पीएचडी विभाग के जेई, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी आनंद कुमार ने 2 महीने के श्रावणी मेला में गंगा घाट को लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक कांवरियों की सुविधा को लेकर दिन रात मेहनत करते हुए श्रावणी मेला को सफल बनाने में कार्य करने पर उनकी प्रशंसा करते हुए प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और भादो माह में भी कांवरिया की सुविधा के लिए स्थानीय पदाधिकारी हर समय कार्य करने की बात कही। इस दौरान जिला व प्रखंड एवं नगर परिषद की तमाम पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण मौजूद थे। सुल्तानगंज से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। न्यास में विशिष्ट था, हर बार 30 दिनों के लिए मेला लगता था, इस बार 60 दिनों के लंबे काल तक यह मेला चला और सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पे विभिन्न जिलों के भी पुलिसकर्मी पदाधिकारी गण का 2 महीने के लिए पदस्थापन रहा। उनके सहयोग से हम लोगों ने इस मेला को बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया। एक घटनाएं भी हुई लेकिन वह घटनाएं जो हमारा कांवरिया का मुख्य मार्ग है वहाँ नहीं हुई, कुछ लूप लाइन में कुछ लोग गलती से उस मार्ग पर प्रवेश किए और वहाँ पर उनके साथ एक घटना घटी थी, लेकिन उसका भी पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था एवं थानाध्यक्ष सुल्तानगंज के नेतृत्व में उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया और उसमें 2 लोग सम्मिलित हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की गई। और हम लोगों ने जितना कांवरिया पद था उस पर विशेष नजर रखी कि किसी के साथ मोबाइल की छिनतई, कैश की छिनतई, 24 घंटे वहाँ पर मोटरसाइकिल की पार्टी लगातार गश्त करती रही 2 महीने तक और वहाँ पर कुछ भी इस तरह की घटना प्रकाश में नहीं आई और सभी जो श्रद्धालु थे अच्छे से जल लेकर और अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान किए। और इसके लिए जितने भी पदाधिकारी कर्मी हमारे इसमें सम्मिलित हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कार्य आप लोगों के सहयोग से भागलपुर में संपन्न हुआ। याद होगा कि जिस दिन श्रावणी मेला की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने ब्रीफिंग सेशन किया था, बहुत हमारी बारिश हो रही थी, जो लोग जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ वर्ग लगता है सब लोग नहीं पिछला था बाद में आया और लोग मैक्सिमम लोग जो है वो वहाँ उपस्थित थे। तो ब्रीफिंग सेशन था जिस दिन उद्घाटन हुआ था, आज का है डी ब्रीफिंग सेशन।
ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ब्रीफिंग सेशन में बताया जाता है कि आपका दायित्व तो क्या है, कर्तव्य क्या है, कैसे आपको काम करना है, किस हिसाब से कौन सी व्यवस्था कैसे सुनिश्चित कराई जानी है, तो ये ब्रीफिंग सेशन में काम होता है। और डीब्रीफिंग सेशन का काम होता है कि एक बार पीछे मुड़ करके फिर देखना, जो कहीं कुछ कमी रह गई होगी उसको अगले साल सुधार करना, या अगली बार जब मौका मिले और जो कुछ अच्छा हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के मास्टर जी की छुट्टियों में कटौती कर दी है। अब से दिसंबर तक विभिन्न पर्व त्योहार पर स्कूल में 23 छुट्टियां घोषित थीं, अब ये घटकर 11 कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च विद्यालयों तक की छुट्टियों में कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं इस आदेश को पारित होने के साथ ही रक्षाबंधन में आज सभी सरकारी विद्यालय खुले रहे, लेकिन डेस्क बेंच धूल फांटती रही, कोई भी बच्चे विद्यालय नहीं आए। एक तरफ जहां सरकारी आदेश का पालन करते हुए शिक्षक अपने कार्यकाल में मौजूद थे और बच्चों के इंतजार में आंख गड़ाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन नहीं मना सके, उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश भी दिख रहा था। वहीं भागलपुर के सरयू देवी बालिका इंटर स्कूल में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। विद्यालय में जब बच्चे नहीं आए और शिक्षक शिक्षिकाएं अपने भाई बहन को राखी नहीं बांध सके, तो शिक्षक ने विद्यालय ही अपना बहन माना और शिक्षिकाएं अपने विद्यालय को भाई माना, और विद्यालय की रक्षा करने के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर विद्यालय के मुख्य गेट पर ही राखी बांधा और प्रण लिया कि अब हमारा भाई और बहन हमारा विद्यालय ही है, हमें अपने विद्यालय की सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं बिहार शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती को लेकर एक शिक्षिका में काफी आक्रोश देखा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग कई वर्षों से विद्यालय से जुड़े हुए हैं, ऐसा फरमान आज तक जारी नहीं हुआ था। अगर पर्व त्योहार में छुट्टी नहीं दी जाएगी तो फिर आज के युवा पर्व त्योहार का महत्व कैसे जानेंगे और कैसे पूरा परिवार जो दूर दूर रहते हैं एक साथ एकजुट होकर कैसे और कब मिल पाएंगे, ये कहीं से सही नहीं है। सरकार का आदेश है विद्यालय खोलने का, तो हम लोग आए हुए हैं, लेकिन बच्चे एक भी विद्यालय में नहीं है, जिसके चलते मिड डे मील का खाना भी आज हम लोगों ने लौटा दिया, वो खाना भी बर्बाद होगा। हमारी सभ्यता संस्कृति धर्म और परंपरा लोग पर्व त्योहार से ही जानते हैं, अगर उसमें छुट्टी नहीं दी गई तो शायद ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वहीं सरयू देवी बालिका इंटर स्कूल की प्राचार्या ने कहा कि हम लोग आज रक्षाबंधन के दिन विद्यालय आए लेकिन बच्चे एक भी नहीं आए, हम लोग अपने भाई को राखी नहीं बांध सके, तब यहाँ के शिक्षकों ने अपने विद्यालय को अपना बहन और शिक्षिकाओं ने अपने विद्यालय को भाई मानकर विद्यालय को ही हम लोगों ने राखी बांधा और प्रण लिया कि अपने विद्यालय की सुरक्षा करनी है। वहीं बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छुट्टी की कटौती की जो इस तरह की घोषणा की है ये सही नहीं है, उसका नियम पालन करना है। हम लोग नियम पालन कर रहे हैं लेकिन बच्चे एक भी विद्यालय में मौजूद नहीं है, ऐसी छुट्टी कटौती करने का कोई मतलब नहीं बनता है। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बच्चों की उपस्थिति तो नहीं के बराबर है। मैं सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल मिर्जानहाट की प्राचार्या हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ छात्राएं ही पढ़ती हैं तो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार में छात्राएं तो हरगिज़ नहीं आएंगी, और एक भी छात्रा नहीं आई है। हम लोग चाहे के भी बहुत लोगों को कोशिश किए कि आए, छात्राएं नहीं आ पाई। और अगर सरकार चाहती है कि हमारी नैतिक मूल्यों को और परम्पराओं को ना सिर्फ छात्राएं बल्कि छात्र या जो भी स्टूडेंट हैं ये लोग ना सीखें ना समझें, इसको भुला दें, तो तीज जैसा त्यौहार, रक्षाबंधन जैसा त्यौहार, छठ और दिवाली जैसे त्यौहार का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में। आपको बताऊं मैं कि मैं 50 साल से लगभग जब मैं पढ़ती थी तब, और 30 साल से मैं शिक्षा जगत में जुड़ी हुई हूँ, शिक्षिका हूँ, तब से आज तक कभी रक्षाबंधन में स्कूल बंद नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार का आदेश है तो हम लोग सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो नेचुरली हमको आना पड़ा। लेकिन ये हमारे हिसाब से बहुत
उचित नहीं है, इस छुट्टी को नहीं कैंसिल करना चाहिए था। इस प्रकार के जो भी छुट्टियां हैं हमारे नैतिक मूल्यों को और परंपराओं को जीवित रखने का काम करती हैं, ऐसी छुट्टियां कैंसिल नहीं करनी चाहिए। शांति बांका सरयू देवी मोहनलाल बालिका मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ। आज से लेकर मैंने अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार के दिन भी हमारे सभी विद्यालय खुली हुई है और सभी शिक्षिकाओं को यहाँ आना पड़ा, जबकि बच्चे नहीं, एक भी बच्चे हमारे विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई है। और ये मध्याह्न भोजन भी हम नहीं ले पाए क्योंकि बच्चे नहीं रहने के कारण मध्याह्न भोजन लेकर मैं क्या करूँगी, इसलिए आज का मध्याह्न भोजन बंद रहा और ये तो अच्छी बात नहीं है। मध्याह्न भोजन कहीं ना कहीं बर्बाद तो हुआ। हाँ, ये मध्याह्न भोजन तो आज का बर्बाद होगा ही क्योंकि हमने नहीं लिया और बच्चे का नहीं उपस्थिति नहीं रहने के कारण भोजन नहीं ले पाए। तो इस और सभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं विद्यालय में, सभी शिक्षिकाएँ हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं, लेकिन बच्चे एक भी नहीं है, शून्य है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि ये तो सरकार का आदेश है इसलिए हमें पालन तो करना है, लेकिन ये छुट्टी आज का छुट्टी जो बंद हुआ मेरे ख्याल से तो आज की छुट्टी नाजायज ही है क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग दिन भर यूँ ही बिता रहे हैं, इंतजार था तो बच्चों का लेकिन कोई बच्चे उपस्थित नहीं हुए हैं। धन्यवाद जी। मैडम बताइएगा कि आज रक्षाबंधन में त्यौहार स्कूल में मनाए क्यों? स्कूल में इसलिए मनाए कि हमारी रक्षाबंधन की छुट्टी जो है पूरे बिहार सरकार में ख़त्म कर दी गई है, लेकिन रक्षाबंधन तो हमारा त्यौहार है। 50 साल से हम देख रहे हैं कि रक्षाबंधन हम मना ही रहे हैं, तो आज क्यों बंद करें? इसलिए स्कूल खुला हुआ है, आदेश है सरकार का खुला रखने का। हम पूरे स्कूल के सभी स्टाफ देखे, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और हम अपने स्कूल की ही रक्षा करने का प्रण लिए हैं। अब भाई का तो राखी बांधना उतना संभव नहीं हो पाया घर जाके, तो भाइयों ने इस स्कूल को अपना बहन और बहनों ने इस स्कूल को अपना भाई मान के हम लोग यहीं पर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किए, मना रहे हैं। और सरकार को कुछ कह नहीं सकते, सरकार तो सरकार है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के माछीपुर इलाके में एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ गलत नियत से घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। चारों महिलाओं का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़िता के पति का कहना है कि घर में एक भी मर्द नहीं था। आरोपी पक्ष बकरी के द्वारा सहजन का पत्ता खाने का आरोप लगाते हुए घर में घुसा और महिला के साथ खींचतानी करना शुरू कर दिया। वहीं महिलाओं के द्वारा इसका विरोध करने पर लोहे की रॉड से महिलाओं के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान घायल नाजिया बीबी, आफरीन बीबी, सजा व नाहिदा कौसर का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया भी परिजनों का हालचाल जानने मायागंज अस्पताल पहुंचे हैं। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सर मुझे क्या ना, तो घर में बुरी नियत से मेरे साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहा, बचाने में मेरा पूरा सब घर ले लिया। कितने लोग घुसे थे? मतलब 2 भाई थे, एक लड़का था, 3 मर्द था और वहाँ मिल के पिस्तौल तक था, गोली तक दही सब उसी के कुंदे से उसमें चोट लगा, लग नहीं सका गोली उसको, जो कि ना तो हाथ बचाने के लगे ना गोली भरा हुआ नहीं था, धरा बताई भी नहीं, मगर उसके हाथ में पिस्तौल तक था। गलत नियत से घुसे थे? हाँ, गलत नियत से घुसे थे सर। कितने लोग को बचाने में, मतलब अपनी बेटी सबको बचाने में, बस यादव बेटी लोग को लोग चोट लगा। हाँ, सब को मार दिया है। कहाँ है हमारा? बस वही बुरे नियत से घर में घुसा था, मेरे घर में मरा तो नहीं था। क्या नाम बताया अपना? ये अफरीन। घर थाना को, थाना को सूचना दिए? हाँ दे दिए, वहाँ भी देखी। क्या सब हुआ आप लोग के साथ?
हमारे साथ कोई नहीं मरा था, कोई भी नहीं था, सब खेत पर चला गया था। हम चारों यानी सास पुत्र थे घर में और आया यानी गलत नियत से घर में डूब गया। उसके बाद जो है ना तो उसमें शामिल नहीं हो पाया, तो हम लोग को जो है ना तो खांति से हरीटा से यानी शामिल को चारों सास पुत्र कुमारी से मिलता, बच्चा तो कुमारी से। कौन लोग मारे? क्या किन किन लोगों ने मारे? कौशल और कासिम था, और कासिम का लड़का था कौशल और कासिम। हाँ, और आसाद था, और उसका यानी बेटी उठी थी। सब लोग मिल के यानी 10-12 आदमी मिल के मारे सामने आपके घर घुस के। घर में हम लोग बंद भी हो गए ना, तो घर भी ठेल के यानी तोड़ के यानी मारे सब लोग। सब लेडीज को मारे? सब लेडीज को, चारों लेडीज को मारे से, बच्चा तो को पटक दी। क्या नाम बताए अपने? अपना नाम? मेरा नाम है नाहिद कौशल। नाहिद कौशल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम कादिर। घर? माछीपुर। कैसे कुछ हुआ आपके ये मामला? मामला सर एक बकरी का बहाना लेकर के वो गलत नियत से मेरे घर पहुंचा था, जिसके कारण से वो सफल नहीं हो सका सर, जिसके कारण से वो जितनी घर में लेडीज थी चारों लेडीज को मार करके वो सर जख्मी कर दिया। क्यों मारा? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कौसर और मोहम्मद अरसद। विवाद क्या था? विवाद एक बकरी का बहाना था सर। घर घुस के मारा गया? घर घुस करके टट्टी को तोड़ कर करके घुस करके मारा, सभी मिल कर करके। टोटल चार खंती से? जी, क्या चीज से मारा गया? खंती, लोहा के खंती से मारा गया। लोहा के खंती से? जी, चारों को? चारों को। जेंट्स कोई नहीं थे घर में? जेंट्स नहीं सर, एक हम अकेले थे, वो भी खेत पर थे सर। जब हल्ला उड़ा तो हमको खुद अगल बगल का आदमी गया बुलाने के लिए कि तुम्हारे घर में जो को मार करके सबको, वो लोग चला गया। कब की घटना? घटना 4:15 बजे शाम की। अपना परिचय दे, अपना नाम बता। मोहम्मद गुलाम कादिर। गुलाम कादिर। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र के छोटी तिलोरी निवासी नीलम यादव की 3 दिसंबर 2022 को स्तन शकील मियां कट, स्तन सहित पूरे शरीर को काट कर फेंकने वाला आरोपित शकील मियां ने जैसे छूटते ही नीलम यादव की परिवार को नरसिंहार की धमकी दे डाली है। बेरहमी से मार डाली गई नीलम के पति अशोक यादव और उनके 3 बच्चों को धमकी दिया गया है, जिसको लेकर नीलम के परिवार में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन गया है। उन्हें डर है कि शकील और उनके झारखंड के राजमहल सुंदर पहाड़ी इलाके में स्मरण लिए साथी बदमाश उनकी भी हत्या न करने। एसएम कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही नीलम यादव की बेटी नीतू कुमारी शकील के निकलने से भयभीत हो गई है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने 2 भाई कुंदन और चंदन के साथ अपने ही घर में कैद हो गई है। वहीं नीतू कुमारी ने बताया कि जब वो अपने घर से बाहर की तरफ जा रही थी तभी तो रास्ते में रोककर शकील का बेटा और भांजा नीतू के ऊपर पत्थर फेंकने लगा और गंदी गंदी कमेंट भी करने लगा। नीतू का भाई जो कुछ दिन पहले फौज में भर्ती हो देश का सेवा करना चाहता था, अब वो भी अपराधी शकील की तरह घर में कैद हो गया है। कुछ दिन पहले फौज में भर्ती होकर देश का सेवा करना चाहता था, अब वो भी अपराधी शकील के डर से घर में कैद हो गया है। पिता अशोक यादव किसी तरह दूध लेने अपने बसा पर जाता आता है। अशोक यादव के पुत्र ने बताया कि पुलिस बदमाशों की तरफ से अनाधिकृत रूप से पहाड़ की तलहटी में तत्कालीन सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने वहां पुलिस शिविर खोलने की बात कही है। बदमाशों का पासा भी पुलिस ने हटा दिया था लेकिन फिर से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। बदमाशों की आवाजाही शुरू हो गई है। पुलिस को धमकी दिए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पीरपैती अंचल इंस्पेक्टर लाल बहादुर ने मामले की जानकारी पर त्वरित कार्रवाई की बात कही है। छोटी दिलौरी और पहाड़ की तलहटी में जाकर वो खुद हालत का जायजा लेंगे। अंचल इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात कही है। मैं तो सबसे पहले जितने भी नेता आए थे मैं तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ,
लेकिन अभी जिस परिस्थिति में हम हैं, पढ़ाई छोड़ दिया, मेरा भाई पढ़ाई छोड़ दिया, घर में बैठे हैं सब लोग, सिर्फ हम चाहते हैं कि वो लोग ध्यान दे हम लोग पे, ताकि वो फिर से अंदर चले जाए। अच्छा, सुरक्षा की मांग करते हैं आप लोग, अभी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो सुरक्षा की मांग चाहते हैं? हाँ सर, सुरक्षा चाहते हैं। ठीक है, बात और बताइए, जब शकील मियां जेल से बाहर आया तो उसके बाद आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी? तकलीफें झेलनी पड़ी, नहीं तो पापा खेत जा पाते हैं, नहीं हम लोग पढ़ पाते हैं, नहीं मार्केट जा पाते हैं, यहाँ तक कि हम जब शाम होता है, एक बासा है, वहाँ तक जाने का मन नहीं करता है। अच्छा, शकील मियां की तरफ से आपको धमकियां मिलती हैं? बहुत सारी धमकियां मिलती हैं। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि कभी हम बाजार से आते तो उसमें अभद्र कमेंट किया जाता है, साथ ही आपने बताया कि उसमें पत्थर चलाया जाता है, हमारे भाई को मारने के लिए दौड़ाया जाता है, ये सब क्या मामला है? देखिए सर, हम जब मार्केट से आते हैं ना, तो किसी टाइम शाम हो जाता है, किसी दिन नहीं भी होता है, जब शाम हल्का शाम हो जाता है तो वो सब शकील मियां हुआ, उसका भांजा एक रहता है वकील नाम का, वो और उसका बेटा, गंदा सब आपको बता नहीं सकते हैं सर, इतना गंदा सब कमेंट करता है और अकेले देखता है, पत्थर फेंकता है, कुछ से कुछ बोलता है। अच्छा, एक बात और, जब आपने अभी मतलब उसके जेल से आने के बाद आप अपने पढ़ाई को सुनते हैं कि छोड़ दिए हैं, क्यों? जी, हम छोड़, पहले कहते थे आप क्योंकि। अच्छा, आप दो भाई हैं, आप दोनों का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार। और आपका नाम? चंदन। बड़े कौन है? अच्छा, क्या क्या परेशानी हो रही है उसके शकील मियां को जेल से बाहर आने के बाद, क्या लगता है आप लोगों को? परेशानी यही हो रही है, लोग जा सकते नहीं, कितने धमक रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहा है। अच्छा, कभी आपको हमारा यहाँ पर खतर? चलिए, आप क्या ना इस केस को मामले में बाहर वापस से आप लोगों को जा रहा है, उसे गिरफ्तार करके उसे अंदर, आप क्या ना इस केस को मामले में बाहर वापस से आप लोगों को जा रहा है, उसे गिरफ्तार करके उसे अंदर। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में ऋचा शर्मा, मुंबई की मशहूर गायिका, श्रावणी मेला के अंतिम दिन नमामि गंगे घाट पर गाना का बोल, भोले का लगन, ओम नमः शिवाय सहित भोले बाबा पर आधारित विभिन्न गाना गाते हुए सभी श्रद्धालुओं एवं कांवरियों का मन मोहित करने सभी श्रद्धालुओं एवं कांवरियां झूम उठे। पूरे शहर एवं गंगा घाट में ऋचा शर्मा की भक्ति गीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश कुमार, राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार, महिला पुलिस अधिकारी किरण सोनी सहित तमाम पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण एवं श्रद्धालुओं व कांवड़िया गण मौजूद रहे। सुल्तानगंज से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।